जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेमेतरा में पुलिस बल से जूझ रहा है थाना चौकी। पर्याप्त पुलिस बल नहीं होने के कारण रात को गश्त पेट्रोलिंग समय पर नहीं होती। बेमेतरा जिले में आपराधिक वारदातों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण पुलिस बल की कमी व पर्याप्त संसाधनों का अभाव है। पूरे थाना चौकी पुलिस लाइन मिलाकर करीब 500 पुलिस जवान एवं अधिकारी, वहीं थाना चौकियों में पुलिस कर्मियों के भी कई पद खाली पड़े हैं, जहां गश्त के लिए पुलिस के पास एक राइडर मोटरसाइकिल तक नहीं है। पुलिस के पास थाने चौकियों में मौजूद पुलिस बल की पहले ही भारी कमी है। वाहन भी कम है और जो है वो भी खस्ता हाल है। मजबूरी में गश्त और अन्य कार्यों के लिए पुलिस कर्मी अपने निजी वाहनों का प्रयोग करते हैं। ऐसे में पुलिस गश्त कैसे बढ़ेगी बखूबी समझा जा सकता है। ऐसे में जिले में चोरी, हत्या व लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं जिले का एक ऐसा पुलिस चौकीदार देवर बीजा है, जहां चौकी क्षेत्र में सबसे ज्यादा करीब 42 गांव हैं। इस चौकी में करीब 33 पद स्वीकृत हैं और अभी वर्तमान में 12 ही स्टाफ है, जिससे बहुत दिक्कत परेशानी होती है। वहीं IG राम गोपाल गर्ग ने कहा कि बहुत जल्द जिले के पुलिस भर्ती किया जाएगा, जिससे नहीं होगी कोई समस्या। बेमेतरा से संजू जैन की रिपोर्ट। को ज्ञात है कि अभी पुलिस भर्ती होने वाली है 2024 में। अभी एडवर्टीजमेंट भी निकली और शीघ्र ही पुलिस भर्ती होगी, तो शासन स्तर पर समय समय पर हमारे द्वारा जो मुद्दा रखा जाता है और पोस्ट संख्या होने के बाद उसमें भर्ती की जाती है। पुलिस लाइन भवनों की जो पुलिस के लिए जो पुलिस लाइन भवन है, यहाँ पर कुछ क्वार्टर्स भी हैं, करीब 125 के करीब क्वार्टर्स हैं। हालांकि कमी हमेशा रहती है, तो उसके लिए हम शासन स्तर पर और पुलिस में कलेक्टर पत्र जाकर अधिकारियों से इसको अवगत कराएंगे। सॉरी।